News 18, India. बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 5 फरवरी तक भारी बर्फबारी हो सकती है। यानी अगले 3 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते से ही पहाड़ों पर आसमान से जमकर बर्फ गिर रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाके लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सफेद हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 3 से 5 फरवरी तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ों पर बदलते मौसम के पीछे 3 फरवरी से एक्टिव हो रहे नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया। पश्चिमी विक्षोभ तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। ये अक्सर भूमध्य सागर में बनती हैं और वहां से निकलकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तरी हिस्से में दाखिल होती हैं। मौसम विभाग का दावा है कि इसी नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। आशंका ये भी जताई गई कि बर्फबारी के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों के हालात पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि आने वाले 3 दिनों तक आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरसने का दौर थमने वाला नहीं है। जबकि पिछले कई दिन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से इन राज्यों के हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह मनाली और लाहौल स्पीति में भी 6 इंच से लेकर 12 इंच के बीच बर्फबारी हुई। हालात ये हैं कि राज्य में 6 नेशनल हाईवे समेत 560 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। और तो और भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बिजली की सप्लाई रुक गई। लाहौल स्पीति में तो ठंड और बर्फबारी की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री धाम तक कई इंच बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां, पुंछ और बारामूला में बर्फबारी से सब कुछ सफेद हो गया। यही नहीं, वहां के 6 जिलों में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई। मतलब मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। परेशानी यह भी है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में 5 फरवरी तक हल्की से तेज बारिश का भी अनुमान जताया। इसकी वजह से अगले कुछ घंटों में भारत के उत्तरी हिस्से में एक्टिव होने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो वजह है, और इसी वजह से पूरे उत्तर भारत में कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में 5 फरवरी तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया। इसी हफ्ते 31 जनवरी को कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों से आने वाली ये हवाएं बेहद ठंडी होंगी। इसी वजह से ये अनुमान जताया गया कि उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की गई।